शहर के विजयनगर रोड स्थित सेदरिया के समीप स्थित खेल स्टेडियम निर्माण पूर्ण होने के बाद भी खिलाड़ियों के किसी भी उपयोग में नहीं आ पा रहा। लगभग 3 से 4 साल पूर्व खेल स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाकर उसमें मल्टीपर्पज हॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया गया, जिससे शहर की खेल प्रतिभाएं अपने खेल को स्टेडियम में मिलने वाली सुविधाओं से तराश सके। परंतु खेल स्टेडियम का निर्माण जिस उद्देश्य से करवाया गया था वह उद्देश्य सालों बाद भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण हुए लंबा समय बीत गया, परंतु अब तक इसे शहर के खेल प्रतिभाओं के उपयोग के लिए प्रशासन को नहीं सौंपा गया, जिसके चलते शहर का एकमात्र खेल स्टेडियम आज भी धूल फांक रहा है। आरएसआरडीसी की ओर से लगभग 70 लाख रुपए का बजट से स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया गया था। लंबे समय से अनदेखी का शिकार हो रहा खेल स्टेडियम चोरों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अनदेखी और रखरखाव में बढ़ती गई लापरवाही के चलते अज्ञात लोगों ने खेल स्टेडियम के दोनों मुख्य दरवाजों के ताले तक तोड़ दिए गए। इसी के चलते चोरों ने स्टेडियम स्थित मल्टीपर्पज हॉल के कमरे में स्थित खिड़कियों के कांच तक तोड़ने के साथ ही हॉल के बाथरूम में लगे नल सहित अन्य सामान तक गायब कर लिए। शहर के युवाओं को काफी इंतजाम के बाद भी खेल स्टेडियम में कई सुविधाओं युक्त मल्टीपर्पज हॉल नसीब हुआ था, जो निर्माण से लेकर अब तक किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं आया। करीब 3.5 लाख की जनसंख्या वाले ब्यावर शहर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार की ओर से खेल स्टेडियम के कायाकल्प को लेकर बास्केटबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण करवाया गया। अगर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से उक्त स्टेडियम की सुध नहीं ली गई तो आने वाले कुछ माह में स्टेडियम का स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, जो शहर की खेल प्रतिभाओं के साथ अन्याय साबित होगा। खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त स्टेडियम में हुए निर्माण के दौरान कुछ कमियां होने के चलते अब तक उसका अधिकार नहीं लिया गया। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खेल स्टेडियम में हुए बास्केटबॉल कोर्ट एक समान नहीं है। कोर्ट पर बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या है। इसके साथ ही स्टेडियम का मैदान कई जगह से उबड़ खाबड़ है। इसी कारण आरएसआरडीसी की ओर से मैदान को समतल कराए जाने के बाद उसका खेल विभाग की ओर से उसका अधिकार लिया जाएगा। रिश्ता वही सोच नहीं। जी हाँ, खुल गया है ब्यावर शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में एक भव्य मल्टी ब्रांड शोरूम केएम इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की विशाल रेंज, जिसमें ब्रांडेड कंपनियों के एलईडी फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रिज, वाटर कूलर, कूलर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव ओवन, होम थिएटर, डीजे साउंड सिस्टम, गीजर, मिक्सी, प्रेस, मोबाइल और अन्य कई प्रकार की वैरायटियों के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बहार। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता नोट करें, केएम इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल विनोद के पास, स्टेशन रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8290277210। वर्षों से जाना पहचाना नाम जीवन इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे उत्पाद मिलने का एकमात्र भव्य शोरूम, जहां पाएंगे सैमसंग, हायर, एलजी कंपनी के एलईडी टीवी, सैमसंग हायर वर्लपूल, गोदरेज के फ्रिज, सैमसंग हायर वर्लपूल की वॉशिंग मशीन में कूलर भी, नवदीप, जीवनदीप, नटराज की आटा चक्की, माइक्रोवेव ओवन, गीजर, होम थिएटर सहित और भी अनेक प्रकार के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलने का एकमात्र स्थान जीवन इलेक्ट्रॉनिक्स, पाली बाजार, ब्यावर। फोन नंबर 01462548686। संबंधित फर्म जीवन लाइट।